कोरोना वैक्सीन को लेकर उप जिला अधिकारियों ने ली विभागों की बैठक। जिला अधिकारी देहरादून के निर्देशन पर उप जिला अधिकारी मसूरी ने नगर पालिका परिषद मसूरी, उप जिला चिकित्सालय वन विभाग मसूरी, अग्निशमक विभाग मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्लॉक टास्क फोर्स के संबंध में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ब्लॉक टास्क फोर्स कोरोना वैक्सीन को आम जन तक पहुंचाने के लिए गठित की गई है। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली। पढ़ते होंगे कि मोदी जी आज हर गांव में जाएंगे, ऊपर पहाड़ों में जाएंगे, है ना, और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष में उन्होंने ये बोला होगा, तो डीएम साहब ने ये कहा था कि क्यूआरटी की एक बैठक करनी है कि भाई विभाग में किसी की समस्या कोई पेंडिंग ना रहे और उसका प्रॉम्प्ट जो है उसका निराकरण हो। अब तक मसूरी में जो है कितनी जांचें हो चुकी है कोरोना की? अभी तक जो है लगभग हमारे पास है 5,000 के लगभग जांचें होंगी, जो कि लगभग पर डे का जो हमारा टारगेट है 150 का। आज जो बैठक थी इसमें आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए गए हैं? ये आज जो बीटीएफ थी इसमें भविष्य में जो वैक्सीन आएगी, एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, संबंधित विभागों से जो भी विभाग इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे उनका क्या रोल रहेगा यही बताया गया है। अच्छा, जो वैक्सीन आएगी उसमें किस आधार पर उसका जो है आगे आप उसको करेंगे? अभी गाइडलाइन कुछ नहीं आई कि किस आधार पर होगा, लेकिन यह है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि कैसे लगेगा और किस विभाग का क्या रोल रहेगा। सभी अधिकारियों की बैठक थी, किस विषय में बैठक थी सर? आज जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी 2 दिन पहले ये निर्देश दिए गए थे कि क्यूआरटी की बैठक ले लें, क्यूआरटी क्विक रिस्पॉन्स टीम। और जैसे कि हमारे सरकार का भी उद्देश्य है कि जनता को सहूलियत मिले, उनकी शिकायतें जो आती हैं, उनकी समस्याएं जो रहती हैं, उनका त्वरित निराकरण हो, निस्तारण हो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक बैठक ली गई क्यूआरटी की। और एक और बैठक थी जो कि बीटीएफ जो हमारी बनी है ब्लॉक टास्क फोर्स, वो मेडिकल से रिलेटेड है और उसमें जो वैक्सीन आ रही है कोरोना की उसको लेकर के हमारी क्या तैयारी रहेगी, और उसमें हमारे डॉक्टर साहब जो प्रदीप राणा यहाँ के नोडल हैं वो उनके वो भी हैं और कंसर्निंग जो है हमारे और विभाग भी आए थे, तो उन लोगों से बात की गई कि भाई एक तो अपनी मैन पावर की लिस्टिंग जो है अपडेट रखें, और ताकि अगर जैसे ही ऊपर से कोई निर्देश आते हैं कि वैक्सीन को किस तरह से लोगों को जो है उसका इम्यूनाइजेशन कराया जाएगा तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग प्रिपेयर रहें। दूसरा जो क्यूआरटी की बैठक थी उसमें भी सारे विभागों को यही कहा गया कि भाई आपके पास जो है जनता की जो भी शिकायत आती है ड्यू टाइम में जो है उसको निराकरण करें और ईमानदारी से उसका निराकरण करें, ताकि लोग जो है जो भी उनकी शिकायत है उसका निस्तारण हो जाए और उनके मन में एक स्वच्छ छवि जो है हमारे सरकार की भी और प्रशासन की भी जाए कि हमारा जो है काम अच्छा चल रहा है और जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं, सरकार भी और हमारा प्रशासन भी प्रतिबद्ध है जनता की सेवा के लिए। तो इस बारे में जो है ये बैठक ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। जी, इस विषय में विभागों द्वारा क्या सुझाव दिए गए जो संबंधित विभाग जो यहाँ आए थे? देखो, विभागों द्वारा कोई स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, उनके द्वारा यही कहा गया कि जो है हम लोग जो है पूरे वचनबद्ध हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि शिकायत जो भी पब्लिक कर भी रहे हैं और आगे भी जो है पब्लिक के प्रति हम समर्पित हैं, जो भी काम आएगा तो हम लोग जो है उसका निराकरण करेंगे। आने वाले समय में बर्फबारी के लगातार चांस है, दिसंबर के माह में यहाँ पहाड़ों की रानी में हमेशा बर्फ। हाँ, उसके बारे में भी जो है नगर पालिका पुलिस पीडब्ल्यूडी इन लोगों को निर्देश दिए गए कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्नो कटर होता है और जो गाड़ी जैसे हमने जेसीबी हम तैयार रखें, स्पॉट पे रखें, अलग अलग स्पॉट पे रखें, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्डिंग टाइम हो वो बहुत कम हो और जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं वो लोग जो है ज्यादा देर तक रोड पे फंसे न रहें और उनको सुचारू रूप से और सुरक्षात्मक ढंग से जो है उनको अगर कहीं ऐसी नौबत आती है तो उनको निकाला जा सके। तो उसके लिए जो है अपने इंस्ट्रूमेंट और अपनी मैन पावर जो है